हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो सर्दी का मौसम चला है और मक्की की रोटी खाने का तो बहुत सभी का मन करता है। तो अगर आपने कभी बेलन ना चलाया हो, ना ही चपाती बनाई हो, तो भी आप बड़ी आसानी से मक्की की रोटी बना सकते हैं, खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं। तो थोड़े से टिप्स और ट्रिक के साथ इस रोटी को हम बड़ी आसानी से फटाफट से बना सकते हैं, बिल्कुल नरम और फुली फुली रोटी। तो चलिए, मैंने ये रोटी किस तरह से बनाई है आपके साथ भी शेयर करूंगी, ताकि आप भी मक्की की रोटी को बड़ी आसानी से बना सकें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल बटन है उसे दबाइएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं रोटी बनाने की रेसिपी। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी ले ली है। इसी कटोरी के माप से मैं इसमें पानी लूँगी। तो आपके पास जो भी बर्तन हो आप वही बर्तन ले लीजिए, चाहे कढ़ाई हो या पतीला हो। मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं 1.5 कटोरी पानी का डाल रही हूँ। इस पानी को हम गर्म होने देंगे। तो पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैंने जिस कटोरी के माप से पानी डाला था, अब उसी कटोरी के माप से मैं 3 कटोरी मक्की का आटा इसमें डाल दूँगी। तो हमने 3 कटोरी आटे की जो है इसमें डाल दी है। अब इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जितना रोटी बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से आटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप पानी भी कम कर लीजिएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आटा जो है अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो चुका है और पानी जो हमारा इस तरह से आटे ने अब्जर्व कर लिया है। आटे को इस तरह से गर्म पानी में डालने से दो फायदे हैं। एक तो आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल जाएगा, और दूसरे जब भी हम इसकी रोटी बनाएंगे तो रोटी हमारी बिल्कुल नरम और फूली फूली बनेंगी। तो अब इसे हम 15 से 16 मिनट तक इसे हम ढक्कन लगा के इसी तरह से छोड़ दें। तो देखिए, हमारे को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। अब देखिए, आटा जो है मैं इस तरह से हाथ से ताऊंगी। देखिए किस तरह का हमारा आटा जो है नरम हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से सारे आटे को हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने सारी आटे को जो है इस पुरात में निकाल दिया है। अब इसे इस तरह से हाथ से जो है चलाएंगे। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पानी तो पहले ही ऑलरेडी है। अगर ज़रूरत लगेगी तो इसमें अब हम पानी डालेंगे, नहीं तो इसी तरह से इसे मसलेंगे। तो मेरे पास आटा ज़्यादा है तो इसको हम आधा आधा कर लेंगे। और जो हमारी इस तरह से हथेली है, इस हथेली से इसे हम इस तरह से इसमें जोड़ लगाएंगे, इस तरह से मस लेंगे, ताकि आटा जो है हमारा बहुत अच्छा बने। अब इसमें 1 चम्मच हम पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी भी मैंने हल्का गुनगुना लिया है, इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे इस तरह से। तो आटा जो है देखिए इस तरह का हो गया है। देखिए ये पुरात से इस तरह का चिपक रहा है, ये इतना ज़्यादा नरम है आटा। ये देखिए आटा हमारा इस तरह का होना चाहिए, इस तरह से दबाने से उंगली जो है हमारी अंदर चली जाए। इससे ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए और ना ही नरम होना चाहिए। इसके अब हम 2 गोले बना लेंगे। हाथ में हल्का सा पानी ले लेंगे इस तरह से, और इसके हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। जितना समझ लीजिए कि 3 चपाती के लिए आप आटा लेते हैं, 3 चपाती बनाने के लिए उतना ही आटा हम इस तरह से लेंगे। गोला बनाना तो सभी जानते हैं, तो इस तरह से हम ये इसे गोल कर लेंगे और इसे इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे इस तरह से, और दूसरा गोला भी हम इसी तरह से बना लेंगे।
तो मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है, मैंने जो आटे वाली थैली होती है वही ली है। आपके पास जो भी पॉलीथीन हो वही ले सकते हैं। तो इस पे मैं अब थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी इस तरह से, और थोड़ा ऑयल में हम अपने हाथ में लगा लेंगे और जो गोला हमने बनाया था इसे इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और इस तरह से इसे घुमाते जाएंगे। और जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है आप उतनी इसे बना सकते हैं इस तरह से। इस तरह से बनाते जाएंगे, हम हाथ को घुमाते जाएंगे। आप अपने हिसाब से जितनी रोटी पतली रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। अगर आपकी रोटी में थोड़ा क्रैकेज आ जाए तो उसे इस तरह से हाथ से इस तरह से उंगली से मिला लीजिए। मान लीजिए आपने कभी भी चपाती नहीं बनाई है, बेलन नहीं चलाया है, तो भी आप इस तरह से बिल्कुल गोल गोल मक्की की रोटी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। बिल्कुल छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके तो देखिए हमारी रोटी जो है बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैंने गैस के ऊपर एक तवा रख लिया है, मैंने नॉनस्टिक तवा रखा है। अगर आपके पास लोहे का तवा है आप वो भी रख सकते हैं, उसमें भी आप बड़ी आसानी से रोटी बना सकते हैं। तो मैंने ऑयल ले लिया है और ले लिया है मैंने टिश्यू पेपर। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है आप वो भी ले सकते हैं। और इस तवे को इस तरह से तेल के साथ हम ग्रीस कर देंगे। अगर लोहे का तवा है उसे भी इसी तरह से करना है और आपकी रोटी जो है बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगी। तो चलिए जी, तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं बता रही हूँ कि हमें पॉलीथीन से रोटी को किस तरह से उठाना है। अब इसे हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से हल्का हल्का, और इस तरह से इसमें हाथ लगाएंगे और ऐसे हमारी रोटी जो है बड़ी आसानी से निकल जाएगी। अब देखिए तवे के ऊपर अब हम इस तरह से दोनों हाथ से लेंगे और इस तरह से रोटी को इसमें रख देंगे। तो चलिए जी, जब तक हमारी रोटी पक रही है तब तक हम दूसरी रोटी को भी इसी तरह से जल्दी से बना लेते हैं। तो देखिए जी, हमारी रोटी ऊपर से देखिए इस तरह के से सूख चुकी है। इसका मतलब हमारी रोटी जो है पलटने के लिए रेडी हो चुकी है। तो मैंने इस तरह से, कोई भी आप स्पैचुला ले लीजिए और इस तरह से इसे नीचे से डालिए और ऐसे उठाइए और इस तरह से इसे पलट दीजिए। देखिए हमारी रोटी जो है किस तरह की बनी है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रही है। तो देख लेते हैं रोटी को इस तरह से, ये देखिए हमारी रोटी जो है इस तरह की हो चुकी है। तो मैंने एक स्टैंड ले लिया है इस तरह का, इसे हम इस तरह से गैस चूल्हे के ऊपर रख देंगे और रोटी को इस तरह से उठा के जो है इसके ऊपर डाल देंगे। तो तब तक अब हम दूसरी रोटी को भी अब दूसरे चूल्हे के ऊपर इस तरह तवे के ऊपर डाल देंगे और जो रोटी देख। तो मैंने एक स्टैंड ले लिया है इस तरह का, इसे हम इस तरह से गैस चूल्हे के ऊपर रख देंगे और रोटी को इस तरह से उठा के जो है इसके ऊपर डाल देंगे। फूल रही है रोटी, ये अच्छे से चारों तरफ से सिक चुकी है। अब इसे हम उठा देंगे। तो देखिए हमारी दूसरी रोटी भी जो है सिक चुकी है। तो अब मैं इसे भी सेक के आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर हम दूसरा स्टैंड रखेंगे। जो स्टैंड आपने गरम कुकर या पतीले को रखने के लिए रखा होता है उसे ही अब मैं रख रही हूँ। कई बार क्या होता है, दूसरा स्टैंड सभी के पास नहीं होता है, लेकिन ये स्टैंड तो सभी के पास होता है। तो इस तरह से इसे हम रख सकते हैं और इस तरह से हम रोटी को अच्छे से इसमें सेक सकते हैं। तो इस आप भी इस तरह से रोटी बना सकते हैं। इसे आप
कढ़ी, माश की दाल, साग, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मक्की की रोटी तो बहुत ही आसान होती है इस तरह से बनाने से, इसे कोई भी बना सकता है बहुत ही आसानी से। बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके, तो चलिए जी इसी तरह से अब मैं सारी रोटी को बना लूँगी। तो देखिए जी मैंने ये सारी रोटी बना के रेडी कर ली है। देखिए हमारी रोटी जो है कितनी नरम बनी है। तो चलिए जी मक्की की रोटी और मैंने इसे सर्व किया है अरवी की कढ़ी के साथ। आप इसे माश की दाल, साग और कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए और हम भी इसे इंजॉय करते हैं।